हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम्स। आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, कुछ भी मिस आउट नहीं कर रहे हो और फंक्शंस में मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हो, ठीक है? सो हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस और आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में, एंड दीज आर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपस में कुछ रिलेटेड है, हम सब कुछ यहाँ पे भी देखेंगे थोड़ी देर में, और इनपे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, आसान है और इनके ग्राफ्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है? सो मेक श्योर कि आप कुछ भी मिस ना करो, ध्यान से देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दिस फंक्शन fx इज डिनोटेड एज x विद इन दीज रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, ठीक है? ये इसकी नोटेशन है, इन ब्रैकेट्स के बीच में एक्स रखा हुआ, ये आपकी इनपुट एक्स, और ये हमें देता क्या है? जैसे कि नाम बता रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये इस एक्स की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हमें देगा। क्या देगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। आपका एक्स कोई भी रियल नंबर है, ये उसका इंटीजर पार्ट उठाएगा, फ्रैक्शन पार्ट को वहां से हटा देगा और इंटीजर पार्ट आपको आउटपुट में दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई नंबर है आपका 2.4, क्लियरली दिख रहा है। इस नंबर को अगर मैं ब्रेक करके देखता हूं तो ये नंबर बेसिकली है इंटीजर 2 प्लस 0.4 फ्रैक्शनल, तो ये इसको हटा देगा और इस 2 को आपको आउटपुट में दे देगा, ठीक है? वेरी सिंपल फंक्शन। और देखो ध्यान से, अगर है आपका इनपुट -3, अब -3 तो खुद ही इंटीजर है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, देयरफॉर ये ही आपका आंसर में मिल जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट 0 हमारा यहां पे। यहां पे देखो ध्यान से, इसको ध्यान से देखना, मान लो नंबर है आपका माइनस का 3.4, ठीक है? तो अब आंसर कितना, अब आंसर कितना, चलो इसको तोड़ो। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि हमें इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट चाहिए, मैं इस नंबर को ब्रेक कर रहा हूं इसके इंटीजर पार्ट में प्लस इसके फ्रैक्शनल पार्ट में, तो क्या ये नंबर आपका -3 प्लस समथिंग है? अगर मैं इसको -3 प्लस समथिंग लिखता हूं तो आपको लिखना पड़ेगा -3 को -3.4 होना है, तो आपको इसमें ऐड कर देंगे, दैट इज बेसिकली माइनस का 0.4, ठीक है? तभी तो ये बनेगा, और ये तो नेगेटिव में आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव नहीं है यहां पे, ठीक है? सो क्लियरली ये आपका आंसर नहीं है। अब इसको ध्यान से देखो, ये ऐसे क्यों नहीं हो सकता? ये जो नंबर है ये -3.4 आपका -3 से छोटा है, -3 से छोटा है। यहां पे मेरे को ऐड करने की सोच रहा था फ्रैक्शनल पार्ट क्या ऐड करो, पर ये तो माइनस हो गया, तो अगर ये -3 से छोटा है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट -3 कैसे हो सकता है, ठीक है? अगर कोई टेंशन और है तो ध्यान से इसको बस रियल लाइन पे ऑब्जर्व कर लो, ठीक है? यहां पे आपका नंबर है कुछ -4, यहां पे आपका कुछ नंबर है -3, और जो -3.4 है वो आपका कहीं होगा यहां पे, ठीक? यहां पे आपको मिलेगा -3.4, आपके नंबर लेफ्ट साइड पे बढ़ रहे हैं, एक नंबर था -4, फिर वो बढ़ा, उसने उसमें 0.6 ऐड किया और वो पहुंच गया -3.4 पे, ठीक है? सो फिर से देखो क्या हुआ, -4 था, उसने आगे बढ़ा 0.6, एक और फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन ऐड करता हुआ 0.6 को ऐड करके आपका नंबर पहुंच गया -3.4 पे, ठीक है? अब ये सही ब्रेक है, दिस इज योर आंसर। -4 से बढ़ के नंबर -3.4 तक आया था, -3 तक तो अभी पहुंचा ही नहीं है, तो इसका खुद का जो सबसे इंटीजर पार्ट है, सबसे बड़ा इंटीग्रल पार्ट है, वो है -4, ठीक है? सो यहां पे आपका आंसर है -4 करेक्ट आंसर, ठीक? आई होप कि तुमने थोड़ा सा इसको ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा। अगर कोई टेंशन है तो हमारे पास इसके लिए बड़ी आसान से प्रॉपर्टी है कि अगर एक्स आपका नेगेटिव हो गया, अगर आपका एक्स का नेगेटिव हो गया तो इस केस में हम करेंगे -1 और -3.4 का इंटीजर पार्ट, ठीक है? और -3 प्लस 3.4 का इंटीजर पार्ट कितना आपका 3, सो ये आपका आ गया -3
माइनस फोर, अगेन सेम आंसर जो हमारा था। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं और इसको और अच्छे से समझेंगे। यहां पे आप बस ये याद रखो कि रियल लाइन पे अगर मैं देखूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू मिलती है ऑलवेज ऑन द लेफ्ट ऑफ इट्स रियल लाइन पे, उसके लेफ्ट में मिलेगी। ठीक है, नंबर के लेफ्ट में, जैसे ये माइनस फोर है, माइनस थ्री है, इसके बीच में अगर कोई भी आपका नंबर है तो उसका सबसे बड़ा इंटीजर पार्ट है ये जो लेफ्ट वाला इंटीजर है, नॉट द राइट वाला। राइट वाला तक को पहुंचा ही नहीं है। ठीक है, ये माइनस थ्री है, आगे आपका माइनस टू है, और यहां पे आपका कोई भी नंबर है तो उसका जो इंटीजर पार्ट है वो कितना होगा, माइनस थ्री ना कि माइनस टू। ठीक, चलो कैसे काम कर रहा है तुमने ये देखा। अब इसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसका। ठीक, दिस इज योर जीरो, वन टू थ्री एंड सो ऑन, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, वन टू थ्री, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं जीरो से। इंटीजर पार्ट्स का कोई भी नंबर अगर इंटीजर है तो वो खुद ही उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है। जैसे जीरो की वैल्यू कितनी, जीरो। जैसे ही मैंने बोला कि अभी भी अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है कि जीरो से वन में कोई भी जगह नंबर है तो उसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है वो जीरो है। तो यहां से लेकर यहां तक आपकी आउटपुट क्या आने वाली है, जीरो। अब जैसे नंबर पहुंचा वन पे, एग्जैक्टली वन पे, वन क्योंकि इंटीजर है तो वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू खुद ये वन हो जाएगा। फिर वन से टू में सबकी आउटपुट कितनी, वन। जैसे टू पे पहुंचा, टू पे वैल्यू कितनी, टू। फिर टू से थ्री में ये टू रहने वाला है और एग्जैक्टली थ्री पे जाके वापस ये थ्री हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट में देखते जाओ, बाकी ऐसे ही पता चल रहा है, वन पॉइंट वन का वन, वन पॉइंट टू का वन, वन पॉइंट थ्री का वन, वन से लेके टू तक सबके इंटीजर वैल्यू कितनी, वन। सिमिलरली लेफ्ट में आ जाओ, यहां पर जो भी नंबर है उनका इंटीजर वैल्यू कितना, माइनस वन, तो हमारी जो आउटपुट है वो माइनस वन पे जाएगी। कि जैसे यहां पहुंचा माइनस वन के पीछे मैं ड्रॉप कर जाऊंगा माइनस टू पे, माइनस टू थोड़ा सा पीछे गया ड्रॉप कर जाऊंगा माइनस थ्री पे। सो इस तरीके का फंक्शन बोलता है ये, आपके कुछ स्टेप्स बन रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आल्सो कॉल इट अ स्टेप फंक्शन। तो इसका एक और नाम है विच इज स्टेप फंक्शन। नाम से अलग फर्क नहीं पड़ता, आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे ये काम कर रहा है। चलो मैं कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स देता हूं इसकी कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेट्स से कि अगर आपका, मैं बोलता हूं कोई नंबर एक्स है जिसकी इंटीजर वैल्यू टू है। ठीक है, अभी तक हमें ये देखा कि अगर एक्स वन से टू में तो उसकी इंटीजर वैल्यू कितनी। अब मैं उल्टा बोल रहा हूं, एक एक्स है जिसकी इंटीजर वैल्यू टू है तो एक्स कितना, तो x क्या होगा। साफ देखो, ग्राफ से देखना तो ग्राफ से देख लो, हमें पता है कि सबसे पहले 2 किसकी इंटीजर वैल्यू, एक तो 2 की खुद की, और जैसे मैं 2 से आगे बढ़ूंगा 2.1 2.3 2.4 सबकी इंटीजर वैल्यू 2 ही मिलेगी, और कहां तक मिलेगी, 3 तक मिलेगी। ठीक है, तो क्लियर है। तो x आपका कहां से कहां लाई करने वाला है, 2 से 3 ओपन, क्योंकि जैसे मैं 3 पे पहुंचूंगा तो वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू चले जाएगी 3 पे। ठीक है, आई होप कि आपने इसको फॉलो करा। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस की बात करो तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। लेट्स से मेरे पास एक क्वेश्चन है, यू नीड टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, वी हैव जेंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जेंट ऑफ एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, तो इसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए। क्वाड्रेटिक बनी हुई है जेंट में, इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो शॉर्ट में मैं जी आई एन टी जिंट बोलता हूं, वैसे आप इसको जी आई एफ करके नोट करते हो, किससे, जी आई एफ, जी आई एफ दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो जी आई एफ आपको ज्यादा मिलेगा, जिंट तो मैंने खुद से जिंट शॉर्ट में बोल रहा हूं, अदरवाइज
जिनको इसका नाम नहीं है, ठीक है। चलो तो यहां से आपके फैक्टर ध्यान से देखो, दे आपके कितने बनते हैं, जे एक्स जेंट एक्स माइनस टू एंड जेंट ऑफ एक्स माइनस प्लस वन, सही है फैक्टर, ओके सही है। अब इसको जीरो होने के लिए या तो ये जो बॉक्स वैल्यू है इसको बॉक्स फंक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है, बहुत सारे नाम है इसके, टू हो जाए या फिर ये माइनस वन हो जाए। अभी हमने देखा कि टू कब था, ये टू होने के लिए एक्स का मिला, टू से थ्री में, और सिमिलरली अगर मैं माइनस वन करता हूं इसको तो अगर आप आंसर कर पाए तो बहुत अच्छे, अदरवाइज आप देखो कि ये कहां से कहां देगा आपको एक्स माइनस वन से जीरो के बीच में, ठीक है। सो दिस इज योर कंबाइंड सॉल्यूशन, एक्स बिलोंग्स टू 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 थ्री यूनियन माइनस वन टू जीरो, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, एक इंटरवल आ रहा है, ठीक। सो और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, पहले जल्दी से इसकी प्रॉपर्टीज पे नजर मार लेते हैं, इसकी कुछ छोटी छोटी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, लेट्स हैव अ लुक एट देम एंड देन वी विल डू सम मोर प्रॉब्लम्स। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यूज देता है एज ए आउटपुट, बाकी आप बात करें डोमेन की तो मुझे पता है कि एक्स कुछ भी रियल वैल्यू ले सकता है, तो डोमेन इज ऑल रियल, और आउटपुट में ये तुम्हें क्या देगा, ये देगा हमेशा इंटीजर वैल्यूज, तो रेंज क्या है आपकी, इंटीजर वैल्यूज, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक। चलो मैं प्रॉपर्टीज की बात कर रहा था, सबसे पहली एक प्रॉपर्टी ये, हमें पता है कि कोई भी नंबर अगर एक्स है वो आपका क्या होगा, अपनी इंटीजर वैल्यू से बड़ा होगा और इंटीजर वैल्यू प्लस वन से छोटा होगा, क्लियर। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, लाइक वेरीफाई कर लेते हैं, लेट्स से नंबर है 2.5, तो 2.5 का जेंट पार कितना, 2, तो वो 2 से बड़ा है और 2 प्लस 1 3 से छोटा है, तो ये हमेशा 2 और 3 के बीच में सारे नंबर्स पे ये वैलिड रहेगा। फिर यहां से अगर मैं जेंट एक्स की बात करता हूं तो ये जो नंबर है ये हमेशा आपका क्या होगा, एक्स से छोटा होगा और एक्स माइनस 1 से बड़ा होगा, ठीक। या तो फिर कोई डाउट है तो क्लियर कर लो, जैसे सेम नंबर ले लेते हैं 2.5, तो 2.5 ये कितना हो गया आपका, 2.5 माइनस 1 1.5, और ये कितना था 2, तो ये 1.5 से बड़ा है 2, और ये कितना आपका 2.5, और 2.5 से तो ये छोटा है ही है। यहां से मैं एक छोटी सी चीज को नोट करना, ठीक है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। चलो पहले ये लेफ्ट का इनइक्वालिटी को देखता हूं, ठीक है, इसको मैं इधर लेके जाता हूं, ये कितना बनता है, एक्स माइनस बॉक्स एक्स लेस देन वन, ठीक है। और अगर मैं राइट वाली इनइक्वालिटी को देखता हूं तो यहां से क्या मिलता है, इसको इधर लेके जाते हैं, तो एक्स माइनस बॉक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन वन, ये जो है ये आपका और कुछ नहीं है। अगर मैं एक्स में से उसकी इंटीजर वैल्यू कम कर दे रहा, माइनस कर दे रहा हूं, एक्स कोई नंबर था उसमें से उसकी इंटीजर वैल्यू माइनस कर दी तो क्या बचा, उसकी फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू, तो ये उसकी नोटेशन है, हम थोड़ी देर में इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज योर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक। चलो आगे एक छोटी सी प्रॉपर्टी और, वो मैंने ऑलरेडी वहां पे आपको बता दी थी, वो ये कि ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ माइनस एक्स इज माइनस वन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ प्लस एक्स, देन दिस प्रॉपर्टी विच इज वेरी सिंपल एंड कॉमन, एक्स प्लस एन दिस इज नथिंग बट, यहां पे एन क्या है, एन कोई इंटीजर, ठीक है, आप चाहते हो तो वेरीफाई कर लो, ठीक है। मान लो एक्स प्लस टू कर दे रहा हूं मैं, ठीक है,
अब x को वेरियस वैल्यू की बात करूं, लेट से x क्या होता है 1.5 है, तो 1.5 प्लस 2 3.5, तो 3.5 का जनरल कितनी आई 3, और अगर इसको मैं ऐसे देखता हूं दैट इज प्लस 2, ये क्या था 1.5 की इंटीजर वैल्यू कितनी, ठीक है x को मैंने रख दिया 1.5, तो यहां से मेरे को वैल्यू कितनी मिली 3.5 प्लस 2 दैट इज 3 वैल्यू, और ये कितनी 1.5 प्लस 2 वापस 3, ठीक है। तो ये कुछ नहीं करा, मैंने बस एक वैल्यू देकर वेरीफाई कर दिया, मतलब ये अगर यहाँ पे कुछ इंटीजर है तो इंटीजर बाहर आ जाएगा, सिंपल सी प्रॉपर्टी यहाँ, क्लियर। सो बात करते हैं फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन की, आई थिंक तुम्हें काफी कुछ समझ में आ गया होगा, एटलीस्ट आइडिया तो मिल ही गया होगा। तो फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन को देखते हैं, तो फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन fx इट इज डिनोटेड एज दिस एक्स इन कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, ये इसकी नोटेशन है, और जैसे कि हमने अभी बात करी ये आपको क्या देता है इस नंबर x की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, और फ्रैक्शनल वैल्यू को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप x में से उसका इंटीजर पार्ट माइनस कर सकते हो, सिंपल काम करना है, अगर कुछ और है तो दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.1 की बात करूं, 2.1 तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, नंबर को तोड़ के देखूं तो कितना, इट इज 2 प्लस 0.1, ये इसका इंटीजर पार्ट और ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट, तो आपका आंसर कितना है 0.1। अगर मैं कोई इंटीजर लेता हूं लाइक 3, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 कितना, क्लियरली 0, ये प्योर इंटीजर नंबर है तो फ्रैक्शनल पार्ट इसका 0 है, ठीक है। नेगेटिव में थोड़ा सा देख लो, अगर मैं बात करूं -3.2, सो नाउ द फ्रैक्शनल पार्ट इज व्हाट, नॉट 0.2, इट इज 0.8। अगेन मैं ये बोलूंगा कि इसको ब्रेक करके देखो, -3.2 बेसिकली है -4 प्लस 0.8, ये इसका इंटीजर पार्ट और ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट, जो ये फंक्शन आपको आउटपुट में देगा, ठीक है। बड़ा आसान है, इसका जो ग्राफ है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, सो जस्ट हैव ए लुक एट दैट कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ, ठीक है, काफी हद तक तुम्हें ये समझ आ चुका है, देखो पर इसमें काफी चीजें कुछ इंपॉर्टेंट है वो हम ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे। दिस इज 0, 1, 2, 3, हियर आई हैव 1, -1, -2, ओके। पहले तो इंटीजर्स की फ्रैक्शनल पार्ट कितना 0, तो इन सब पे यानी कि 0 पे क्या मिलेगा 0, 1 पे 0, 2 पे 0, 3 पे 0, तो सारे इंटीजर वैल्यूज की फ्रैक्शनल पार्ट फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी 0। चलो आगे देखते हैं, यहां पे भी नंबर है 1.2 या 1.3, तो 0.2, 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना, खुद 0.2। अगर मैं ध्यान से देखूं तो 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर है वो तो ऑलरेडी फ्रैक्शनल ही है, ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में सारे नंबर मेरे ऑलरेडी फ्रैक्शनल ही है, तो यहां पे जो भी इनपुट है वही सेम आउटपुट है, बेसिकली यहां पे जो ही एक्स है वही आपका आउटपुट भी एक्स ही है, तो बेसिकली वाई भी एक्स के बराबर हो गया। तो अगर मैथमेटिकली देखो कि यहां से लेकर यहां तक आपको जो भी वैल्यू मिलने वाली है वो मिलने वाली है इस लाइन पे, विच इज नथिंग बट वाई इक्वल्स टू एक्स, है ना, यहां पे इनपुट आउटपुट बराबर है, 0.1 फ्रैक्शनल पार्ट ही है वो 0.1 आउटपुट, 0.2 खुद फ्रैक्शनल है आउटपुट भी वही, 0.5 का 0.5, 0.9 का 0.9, जैसे ही मैं वन पे पहुंचा आउटपुट 0 पे आ जाएगी, क्योंकि 1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना 0। चलो आगे बढ़ते हैं 1 से 2 में जाता हूं, तो 1.1, अब 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना, 1 हटा दो बचा 0.1, 1.2 का 0.2, 1.5 का अगेन 0.5, तो देखो एक तो ये चीज यहां पर देख रहे हैं कि वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, 0.1 का भी 0.1 था, 1.1 का भी 0.1 है, 0.2 का भी 0.2 था और 1.2 का भी 0.2 है, बेसिकली अगर मैं 1 से लेकर 2 में कोई भी नंबर देखता हूं अगर x है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए तो उसका इंटीजर वैल्यू माइनस कर दें, यहां पे जो भी कोई x है और यहां से लेकर यहां तक मुझे पता है इंटीजर वैल्यू कितनी है 1,
तो उसमें से वन को माइनस कर दो तो बेसिकली मैथमेटिकली आपको जो लाइन मिलेगी वो क्या मिलेगी, एक्स माइनस वन। ठीक है, आई होप कि आपने फॉलो किया। क्या क्या चीजें, एक तो वैल्यू रिपीट हो रही है और दूसरा ये जो मेरे को मिल रही है इनकी इक्वेशंस क्या है, जीरो से वन में एक्स, देन वन से टू में इंटीजर पार्ट जीरो था वन था तो एक्स में से उस वन को माइनस कर दिया, टू से थ्री में कोई भी अगर नंबर है तो उसका इंटीजर पार्ट टू, और यहां पे अगर कोई नंबर एक्स रखा हुआ है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए एक्स में से वो टू माइनस कर दो तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा ये लाइन, और इसकी इक्वेशन रहेगी y इक्वल्स टू एक्स माइनस टू। ठीक, देखो ध्यान से, सबसे पहले कि फ्रैक्शन बहुत सारी चीजें अब्सॉर्ब करने वाली है, फ्रैक्शन पार्ट जो फंक्शन है अपनी वैल्यूज को रिपीट कर रहा है, जो आउटपुट यहां मिली दैट इज जीरो से वन में, और दूसरी रेंज क्या है, जीरो से वन, जीरो से वन, वन ओपन जीरो क्लोज्ड। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं डोमेन की तो ऑल रियल है, एक्स आपका कुछ भी हो सकता है, और अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो ये आपको जो वैल्यू देता है वो देता है जीरो से वन में, सो दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, हम पीरियोडिक फंक्शंस पढ़ेंगे आगे जाके, पीरियोडिक फंक्शन तुमने पढ़ रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं। देखो यहां पे पॉइंट वन था, पॉइंट वन यहां भी मिला, पॉइंट वन यहां भी मिला, पॉइंट टू यहां भी मिला, यहां भी मिला, यहां भी मिला, तो जो पूरा सेट ऑफ वैल्यूज है जीरो से वन वाला वो अपनी वैल्यूज को रिपीट कर रहा है, और कितने इंटरवल पे रिपीट कर रहा है, देखो जीरो से वन ये वन इसका पीरियड है, तो पीरियड की बात करूं तो पीरियड कितना है इसका, वन का। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट में आते हैं, यहां से लेके यहां तक अगेन इंटीजर पार्ट कितना, माइनस वन, तो एक्स में से माइनस वन करेंगे तो एक्स माइनस माइनस वन आपका बन जाएगा एक्स प्लस वन, फिर यहां से लेके यहां तक इंटीजर पार्ट कितना, माइनस टू, तो यहां से लेके आपको कोई भी एक्स है उसमें से माइनस टू माइनस करो तो एक्स माइनस माइनस टू एक्स प्लस टू। ठीक, पीरियोडिक फंक्शन, रेंज जीरो से वन में, पीरियड आपका वन का, और जो आप चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ग्राफ है इसका बन रहा। ठीक, आई होप कि आपने फॉलो किया, पहले तो फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू है क्या, और इस चीज को याद रखो फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए तो एक्स में से उसका इंटीजर पार्ट माइनस कर दो। ठीक, इसकी कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है वो जल्दी से आपको यहां पर बता देता हूं और फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। ठीक, सबसे पहले तो ये अगर फ्रैक्शनल पार्ट में कुछ इंटीजर n है, ठीक है, तो जैसे ये 2.1 है, ये 3 ऐड कर दिया तो आप वैल्यू कितनी होगी, 4.1, अब आंसर तो 0.1 ही है तो इसका कोई काम नहीं है बेसिकली इंटीजर का। ठीक है, दिस इज नथिंग बट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ओनली। ठीक, फिर ये एज ए फॉर्मूला याद कर लो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, ये आपको देता है वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ प्लस एक्स। लाइक अगर मैं नंबर लेता हूं माइनस 2.3, ओके, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट वैसे आपने अभी भी देखा कितना आने वाला है 0.7, और फॉर्मूला लगाता तो वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ प्लस 2.3, प्लस 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना, 0.3, ठीक है, तो अगेन 1 माइनस 0.3 आपको क्या मिला, 0.7 सेम नंबर। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखो। ठीक है, और बड़े छोटे छोटे इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स आप देखो ध्यान से, ये कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जेंट ऑफ सम एक्स, अब एक्स जो मर्जी हो ये क्या बन जाएगा, इंटीजर, अब इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट कितना, 0। ठीक, एंड दिस की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, एक्स जो मर्जी हो वैल्यू में कहां से कहां देते हैं, 0 से 1 के बीच में, और 0 से 1 के बीच में जेंट वैल्यू कितनी होती है, 0, तो दिस इज ऑल्सो 0। ओके, आई होप कि तुमने ये अच्छे से फॉलो किया, दोनों फंक्शंस, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। Now it's time to do some problems, हम कुछ छोटी छोटी problems से लेके बड़ी बड़ी problems तक discuss करेंगे।
और इसको अच्छे से और समझेंगे. ठीक. आई हैव दिस y इक्वल्स टू 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड यू नीड टू टेल मी इट्स डोमेन. मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसकी डोमेन क्या होगी. ठीक है. अगर मैं इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करूं तो इसकी डोमेन तो ऑल रियल होती है. ठीक है. और रेंज में ये देता हमें इंटीजर वैल्यूज यानी कि 0, 1, 2, 3 -1, -2, -3 तो डिनोमिनेटर में रखा हुआ कोई मर्जी इंटीजर हो जाए सिर्फ जीरो को छोड़ के. तो बस एक ही चीज करनी है हमें कि ये जो है आपका ये जीरो ना हो जाए. ठीक. तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जीरो है तो एक्स कहां से कहां साफ दिख रहा है. एक्स कब होगा जीरो से वन के बीच में. ये मुझे नहीं चाहिए. देयरफॉर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बिकम ऑल रियल -0 to 1 दिस इंटरवल. ओके. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. इसको थोड़ा सा अगर मैं चेंज करता हूं तो आपका कुछ फंक्शन अगर ऐसा बन जाता है 1 upon (let's say) चिंट ऑफ एक्स -1. बस इस केस में भी डिनोमिनेटर में रखा हुआ है तो क्या करना है कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है दिस मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 1 और यू कैन से एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 1, 2, 2 ओपन. तो अगेन आपकी डोमेन का बन गई ऑल रियल -1 से 2. थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊ तो मैं फंक्शन को कुछ ये ले लेता हूं. लेट्स से ये रखा हुआ है डिनोमिनेटर में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर -5 times (gent of x) + 6. फिर वही करना है. इसको जीरो नहीं होना तो इसके फैक्टर मुझे साफ दिख रहे हैं जेंट ऑफ एक्स -2 यूनियन -3 = 0. ये हमें नहीं चाहिए. तो बेसिकली दिस मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 2 एंड मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 3. सो 2 कब होता है 2 से 3 में. तो आपको क्या चाहिए 2 से 3 नहीं चाहिए. ऑल्सो एक्स 3 कब होता है 3 से 4 में. तो ये भी हमें नहीं चाहिए. तो ऑल अगर दोनों को मिला के देखूं तो आपकी जो डोमेन बनती है वो ये बनती है एक्स कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज और इन दोनों का जो कंबाइंड यूनियन सेट बनेगा वो बनेगा. आप ध्यान से देखो इट विल बिकम 2, 2, 4 4 पे ओपन 2 पे क्लोज्ड. तो ये थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था. डिनोमिनेटर में रखी है तो जीरो लेना चाहिए और ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 या 1 या 2 या 3 ये कब कब होता है ये ऑलरेडी हमने ग्राफ में भी देखा था और एग्जांपल्स में भी देखा था. ठीक है. तो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं. लेट्स से मैं आप ले रहा हूं कि मान लो आपका फंक्शन है कुछ ln ऑफ और दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² + x + 1. सो अगेन हमें चाहिए इसकी डोमेन. सो डोमेन की बात करें तो log कब डिफाइन होता है जब वो पॉजिटिव होता है. ठीक है. तो ये मुझे क्या चाहिए ग्रेटर देन 0 चाहिए. चलो इसको देखते हैं. सो आई नीड दिस x² + x + 1 दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0. अच्छा एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा सबसे पहला इंटीजर क्या आएगा ऑफ कोर्स क्या आएगा 1. तो यहां पे बेसिकली मैं यहां पे इक्वालिटी लगाता हूं अब आगे स्टेप में तो मैं ये ले सकता हूं कि आई नीड दिस टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. क्लियर. ये ध्यान से देखो ना अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो. ठीक है. आगे बढ़े तो इस इंटीजर को हटाते हैं. अब 1 से बड़ा है ग्रेटेस्ट इंटीजर तो x क्या होना चाहिए वो भी 1 से बड़ा होना चाहिए. तो आगे स्टेप में मेरे को मिलता है x² + x + 1 > 1. ठीक है. यहां पे कुछ समझ नहीं आया तो एक बार रिमाइंड करो मैं दोबारा बताता हूं वैसे बट फिर भी पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं. तो आई नीड दिस x² + x (2)= 0. ध्यान से देखो मेरा फैक्टर बन गए x (x + 1)= 0 और हमें यहां पे सिंपल सा वैल्यू का मिल रहा है -1, 0. ठीक है. ये नेगेटिव ये पॉजिटिव. पॉजिटिव हमें क्या चाहिए बड़ा
पॉजिटिव, तो आपका फाइनल आंसर है x belongs to माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन यूनियन जीरो से इंफिनिटी. ओके, फिर से देखो स्टेप्स को. हमने सबसे पहले लॉग को डिफाइन करने के लिए इसको पॉजिटिव करा, ग्रेटर देन जीरो करा, इक्वालिटी नहीं है. अब ये तो एक बॉक्स फंक्शन है, इंटीजर ही होने वाला है, तो जीरो से बड़ा तो सबसे पहला इंटीजर जीरो के बाद मेरे को मिलता है वन, तो इक्वालिटी लगाता हूं. तो सबसे पहले कि ये वन या वन के इक्वल हो जाए या वन से बड़ा हो जाए. अब किसी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर वन से बड़ा मतलब कि वो एक्स भी वन के इक्वल या उससे बड़ा होगा. बस बॉक्स को हटाया तो ये वन से बड़ा आ गया. उसके बाद तो सिंपल इनइक्वालिटी है. आप देख लो कि कुछ ज्यादा मुश्किल इसमें नहीं. ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन के ऊपर. तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम लेते हैं तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनती है. चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देखो. लेट्स से यू नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इन इक्वेशन. ठीक है, हमारे पास एक छोटी सी इक्वेशन है कि जिंड ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन थ्री. ठीक है, जिंड ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन थ्री. ध्यान से देखना, हमने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, सेम चीज फॉलो करनी है. अगर एक बॉक्स वैल्यू तीन से बड़ी चाहिए तो ये क्योंकि इंटीजर है तो तीन के आगे जो इंटीजर है वो आपका है फोर. तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि दैट मीन्स कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स आई कैन से कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू फोर. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, हम यही फॉलो करेंगे, ये स्टैंडर्ड चीज है. अब आगे तो क्लियर है, अगर बॉक्स वैल्यू चार से बड़ी है तो फिर एक्स स्क्वायर भी आपका चार से बड़ा होना चाहिए. और बस अब मुझे सोल्यूशन मिल गया, एक्स स्क्वायर फोर से बड़ा, तो एक्स कहां से कहां. क्लियर, माइनस इंफिनिटी से माइनस टू यूनियन टू से इंफिनिटी. ठीक, आई होप कि आपको क्लियर हो गया ये पहले स्टेप्स. मैंने सेम क्वेश्चन लिया था ताकि ये यहां पे रिपीट किया था वापस आपका क्लियर हो गया. चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं. लेट्स से हमें क्या पता करना है, अब डिनोमिनेटर में मैं ले रहा हूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स. यू नीड टू टेल मी डोमेन. ओके, लेट्स से रेंज भी निकालनी है तो रेंज भी क्या आती है. ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है, ध्यान से देखना. चलो डोमेन की बात करते हैं, वही है कि फ्रैक्शनल पार्ट की डोमेन तो ऑलवेज होती है. अब ये बस डिनोमिनेटर में आ गया तो ये जीरो के इक्वल ना होना चाहिए. अब फ्रैक्शनल पार्ट एक्चुअल में खुद वैल्यूज ही का देता है जीरो से वन के बीच में, फ्रैक्शनल पॉजिटिव वैल्यूज. जीरो कब होता है, जीरो होता है इंटीजर पे. ठीक है, एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू इंटीजर. सिंपल आंसर, डोमेन हमें मिल गई कि इट कैन टेक ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीग्रल वैल्यूज. इंटीजर्स को छोड़ दो, बाकी कुछ भी ले लो. ठीक है, चलो रेंज की बात करते हैं. रेंज में अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमारा जो होता है वो होता है जीरो से वन के बीच में. हमें इसका रेसिप्रोकल जो करना है, अब जीरो से वन वाली वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर लो यार, बड़ा आसान है. खुद ही देखो ध्यान से क्या मिलेगा, टेल मी. अच्छा, जीरो तो इसको खोना नहीं था क्योंकि जीरो तो हम ऑलरेडी इसके निकाल चुके हैं, तो ओपन हो गया जीरो पे भी. ठीक है, वो तो डोमेन में नहीं आता, इसलिए निकाल दिया उसको वहां से. अब जीरो से वन वाली वैल्यूज का रेसिप्रोकल करना है, दिख रहा है यार, जीरो से वन जीरो पे हो जाएगा, इन्फिनिटी, वन पे वापस वन मिलेगा, तो ये वैल्यूज हमें कहां से कहां मिलने वाली है. दिस विल बिकम वन टू इन्फिनिटी, वन से इन्फिनिटी. अब क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है, साथ ही साथ में हमने भी देखा था कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है. ठीक है, तो उस चीजों को ध्यान में रखते हुए छोटा सा काम और देखो. अब ये फंक्शन जो तुम्हारे सामने है इसकी हमें डोमेन पता है, इसकी हमें रेंज पता है. डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर वैल्यूज. और रेंज क्या है, वन से इंफिनिटी ओपन इंटरवल. तो इंफिनिटी कब है, जब ये जीरो है, और जीरो कब है, इंटीजर पॉइंट्स पे. तो हर एक इंटीजर पॉइंट पे क्या देने वाला है, ये इंफिनिटी. तो जीरो पे इंफिनिटी को जाएगा, वन पे इंफिनिटी को जाएगा, टू पे इंफिनिटी को जाएगा, थ्री पे इंफिनिटी को जाएगा,
और फिर वापस माइनस वन पे भी इंफिनिटी, माइनस टू पे भी इंफिनिटी एंड सो ऑन, ठीक है। और मिनिमम पहले कितनी दे रहा, वन, वन भी ओपन में आ रहा है और होगा कब वन, ऑब्वियसली जब एक्स वन को अप्रोच करेगा, ये वन को अप्रोच करेगा तो फ्रैक्शन पार्ट अप्रोच कर रहा है, मतलब कि हम वन के बहुत क्लोज हैं, क्लोज 0.99999 यू कैन से, और उस वैल्यू के फ्रैक्शनल पार्ट भी 0.999 है, तो टेंडिंग टू वो क्या है, वन ही है, ठीक है। अब जीरो पे ये इंफिनिटी हो गया, फिर वन पे आता आता इसने ये वैल्यूज दी, डिक्रीजिंग वैल्यू ये। एक और चीज है, आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जीरो से वन में क्या होता है, एक्स होता है, तो ये और कुछ नहीं है, ये वन अपॉन एक्स है, ठीक है। वन अपॉन एक्स इस तरह का ग्राफ होता है, मैं दे रखा है, बस हमें जीरो से वन में इसको ड्रॉ करना है, और जैसे ही मैं वन से टू में बात करूंगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन को ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, फिर कुछ ऐसा बनेगा, तो ये और कुछ नहीं है, ये है वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये है आपका वन अपॉन एक्स माइनस टू, पीरियोडिक है वो तो है ही, तो ये वैल्यूज रिपीट कर रहा है, और सिमिलरली पीछे भी कुछ इस तरीके का बन रहा है, ठीक है। दिस विल बिकम वन अपॉन एक्स प्लस वन, और ये आप होगा आपका वन अपॉन एक्स प्लस टू एंड सो ऑन, ये आगे भी जाएगा पीछे भी जाएगा, ठीक है। सो देखो इसका ग्राफ कैसा बना, फ्रैक्शनल पार्ट क्या था, पीरियोडिक, तो ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन ही बना उसका रेसिप्रोकल। चलो आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। समटाइम्स यू आर आस्क्ड टू सॉल्व इक्वेशंस रिलेटेड टू दिस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं, लेट्स से यू नीड टू सॉल्व दिस वैल्यू, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू, इक्वालिटी ले रहा हूं मैं जिन टू, बहुत सिंपल सा है, सोच के देखो कि क्या आंसर बनेगा इसका, चलो सोचो, टेक योर टाइम, जब तक मैं ये रब कर रहा हूं अच्छे से, इसने मुझे बहुत तंग कर रखा है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो एक्स क्या होगा, इस इक्वेशन का बेसिकली सोल्यूशन क्या होगा, एनी आइडिया, बहुत सिंपल है यार, करना ही क्या, तुम खुद सोचो, तुम दोनों को अच्छे से जानते हो, ये क्या होता है, अगर मैं इसकी वैल्यूज की बात करूं तो ये तो वैल्यूज देता है कहां, जीरो से वन में, बेसिकली इसको मैं देखूं तो इसने सिर्फ और सिर्फ एक इंटीजर दिया, कौन सा, जीरो, बाकी तो सारी फ्रैक्शनल वैल्यू है, और ये सारे इंटीजर्स हैं, सारे इंटीजर्स, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, सारे इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर इंटीजर भी इक्वल हो सकता है, अब इंटीजर फ्रैक्शनल इक्वल तो आएगा नहीं, तो इधर से इंटीजर देखो, उधर से इंटीजर देखो, तो एक इंटीजर मिल रहा है मुझे कॉमन, कौन सा, जीरो, कौन सा, जीरो, बस अब इसको जीरो होने के लिए, ये तो बहुत सारे पॉइंट्स पे जीरो होते हैं, पर ये जीरो कब होगा, जीरो से वन के बीच में, तो कॉमन वैल्यू आपको जो मिल रही है वो एक ही एक मिल रही है, जीरो, ठीक है, ओनली इंटीजर फॉर विच दिस इक्वालिटी होल्ड्स, आई होप कि क्लियर हो गया। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और थोड़ा सा चेंज करते हैं, लेट्स से मैं आपसे पूछ रहा हूं सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्स इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, एक्स इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, अगेन इफ यू कैन थिंक ऑफ एनीथिंग जस्ट थिंक, कुछ मत करो, इसको इधर ले आओ, अगर मैं देखता हूं तो एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या मिल गया आपको, जीरो, और ये क्या चीज है, जेंट ऑफ एक्स, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू वन,
जीरो टू वन, बस यही आपका आंसर है। ठीक है, बहुत आसान सिंपल सा क्वेश्चन। नाउ थोड़ा सा और आगे चलते हैं और एग्जाम्पल देते हैं। अब इक्वेशन सॉल्व कर ही रहे हैं, सो लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल। ओके, सो हियर इज अ क्वेश्चन, यू नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन फोर टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, ध्यान से देखो। अब इस तरह की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सारा कुछ एक्स को तोड़ लो जिंट और फ्रैक्शनल पार्ट में। तो पहला स्टेप ये है कि फ्रैक्शनल पार्ट में और ग्रेटेस्ट इंटीजर में तोड़ लें। तो एक्स क्या होता है आपका इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, यहां पे एक और जेंट रखा हुआ है। ठीक है, यहां से अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट देखता हूं तो वो आ गया एक कट गया तीन, सो बेसिकली इट इज टू अपॉन थ्री ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये स्टेप आपको करना है, बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, इधर इंटीजर के टर्म्स में निकाल लो या फिर एक्स के टर्म्स में निकाल लो। अब आगे देखो ध्यान से, हमें पता है कि ये जो है ये लाई करता है जीरो से वन में। ठीक है, जीरो से वन में, तो फिर ये जो टू बाय थ्री है बॉक्स, इट विल ऑल्सो लाइज बिटवीन जीरो टू वन, और यू कैन से दैट फ्रैक्शन जेंट ऑफ एक्स लाइज बिटवीन जीरो टू थ्री बाय टू। अब जीरो से थ्री बाय टू के बीच में अगर मैं बॉक्स की वैल्यूज की बात करूं तो दो वैल्यूज आती हैं, कौन सी, एक तो जीरो और एक वन, बस यहां से हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। व्हेन बॉक्स एक्स इक्वल्स टू जीरो तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना, जीरो, तो फ्रैक्शनल पार्ट भी जीरो हो गया, सो देयरफॉर योर एक्स विल बिकम जीरो, एक आंसर तो आ गया जीरो। अब जब बॉक्स की वैल्यू वन है तो फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू कितनी होगी, क्लियरली ये आ गया आपका टू बाय थ्री, देयरफॉर एक्स इज वन प्लस टू बाय थ्री, दैट इज योर आंसर इज फाइव बाय थ्री। तो दो आंसर है, एक जीरो दूसरा फाइव बाय थ्री। ध्यान से देखो स्टेप्स, एक इक्वेशन थी ग्रेटेस्ट इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट में एक्स में, हमने फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, और फिर हमें पता है कि इसकी रेंज, हमने इसकी रेंज का यूज किया कि आपका जीरो से वन के बीच में लाई करता है, हमेशा लाई करेगा, तो उसको करना ही पड़ेगा। तो इसकी इक्वालिटी ये, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर को जीरो से वन में किया, हमें ये मिला। अब एक ये बॉक्स फंक्शन है, जीरो से थ्री बाय टू के बीच में जो इंटीजर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं जीरो और वन, तो इक्वालिटी होल्ड करा के जो भी हमें वैल्यू मिली तो आंसर मिले एक जीरो और एक फाइव बाय थ्री। ठीक, चलो एक ऐसा ही क्वेश्चन और है हमारे सामने, सो लेट्स सी दिस। नाउ वी हैव, थोड़ा सा डिफरेंट है, इट्स इज मॉड ऑफ टू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू थ्री टाइम्स बॉक्स प्लस टू टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अगेन यू नीड टू फाइंड आउट एक्स। अब यहां पे ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल के साथ साथ हमारे पास क्या आ गया, एक नया फंक्शन मॉडुलस फंक्शन। तो मॉड की कोई टेंशन नहीं है, हम इस पे काम करना अच्छे से जानते हैं। ठीक है, जब मैंने मॉड पढ़ाया था तो मैंने आपसे बोला था कि इस पे क्वेश्चन आएंगे, और जैसे क्वेश्चन आएंगे हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, इस मॉड को हटाते हैं। मॉड के साथ तो क्या, इसको मॉड के वो डंडों के साथ तो काम करना नहीं है,
तो मॉड को हटाओ, और मॉड को हटाने का जो रूल है इसका क्रिटिकल पॉइंट, ये जीरो कब हो रहा है, जीरो कब हो रहा है, ये क्लियरली एक्स इक्वल्स टू वन बाय टू पे साफ दिख रहा है, और वन बाय टू से आगे ये पॉजिटिव होगा, वन बाय टू से पीछे नेगेटिव होगा। तो बस हम दो केस लेते हैं, फर्स्ट केस है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन बाय टू, अगर एक्स वन बाय टू से बड़ा है तो इसको पॉजिटिव में ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा टू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू थ्री टाइम्स बॉक्स एक्स प्लस टू टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। आगे मैं वही स्टेप फॉलो करूंगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में करे थे, दैट इस एक्स को हम तोड़ लेंगे जेंट और फ्रैक्शन पार्ट में, तो यहां से आपको मिला टू टाइम्स जेंट ऑफ एक्स प्लस टू टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इक्वल्स टू थ्री टाइम्स बॉक्स एक्स प्लस टू टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये तो आपका पूरा कट गया, ठीक है। सो हमें क्या इसमें माइनस वन है, हमें क्या मिला, आप देखो ध्यान से बॉक्स एक्स ये दो कट गए एक बचा इक्वल्स टू माइनस वन। सो हमारे पास एक सेट ऑफ वैल्यूज आ रहा है कि बॉक्स एक्स माइनस वन कब होता है, ऑब्वियसली व्हेन एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू जीरो, माइनस वन टू जीरो। तो क्या ये कंप्लीट सेट हमारा आंसर है? ठीक, अच्छा यहां तक क्लियर है। अब हमें क्या मिला इस इक्वेशन को सॉल्व करके x माइनस वन से जीरो में, पर ओरिजिन देखो हम कहां से बात कर रहे थे, हम तो केस लेके चल रहे थे x वन बाय टू से बड़ा होना चाहिए, और ये तो वन बाय टू से बड़ा नहीं है, तो बेसिकली इस केस के अंदर मुझे कुछ सोल्यूशन नहीं मिला, ठीक है। सेकेंड केस ले लेते हैं, सेकेंड केस हमें क्या कहता है कि वेन एक्स इज लेस देन वन बाय टू, अब जब x लेस देन वन बाय टू है तो ये नेगेटिव में ओपन कर लेंगे, दैट इज ये बन जाएगा वन माइनस टू एक्स इक्वल्स टू वही थ्री टाइम्स बॉक्स x प्लस टू टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। नाउ जल्दी से देखो ध्यान से, टू टाइम्स बॉक्स मैं इसको आगे करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, दो और दो चार फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन माइनस फाइव टाइम्स बॉक्स एक्स, ठीक है। इस फोर को भी नीचे ले जाओ, अब वही काम करेंगे, ये मुझे पता कहां से कहां लाइन करता है, जीरो से वन में, तो बेसिकली वन माइनस फाइव टाइम्स बॉक्स एक्स अपॉन फोर, ये आपका आ जाएगा जीरो से वन में। जल्दी से इसको देखो ध्यान से क्या मिल रहा है, ये फोर, ये फोर, सो माइनस वन किया तो ये आ गया माइनस वन माइनस फाइव टाइम्स बॉक्स एक्स, और ये इधर आ गया आपका तीन, माइनस फाइव से डिवाइड करता हूं तो मेरा जो बचता है वो बॉक्स का बचता है माइनस थ्री अपॉन फाइव से लेस देन इक्वल्स टू प्लस वन अपॉन फाइव, ठीक है। ध्यान से देखो ये माइनस का थ्री बाय फाइव, ये प्लस का वन बाय फाइव, इसके बीच में अगर कोई इंटीजर वैल्यू है, ये बॉक्स वैल्यू, तो इंटीजर वैल्यू लेगा तो वो एक ही है, कौन सी है, जीरो। देयरफॉर दिस जेंट ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। अब जैसे ही बॉक्स एक्स की वैल्यू जीरो होती है तो फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू कितनी बन जाती है, ये बच गया वन बाय फोर। तो फाइनली मेरे पास जीरो प्लस वन बाय फोर एक्स की वैल्यू क्या आती है, वन बाय फोर, वन बाय टू से छोटा है, ओके। सो दिस इज योर आंसर। सो दो आंसर, एक आंसर करें, दो केस थे, मॉड को हटा के ये वन बाय टू से बड़ा है या छोटा है, इस केस में हमारे जो सेट ऑफ वैल्यूज मिल रहा था ओरिजिनल, जिस
कंडीशन के अंदर हमने मोड को ओपन किया था उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये सोल्यूशन रिजेक्ट हो गया। दूसरे केस में हमें जो वैल्यू मिली 1/4 ऑफकोर्स 1/2 से छोटा है सो दिस इज योर आंसर। ठीक है सो इस तरह की और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम करेंगे। नाउ दैट वी हैव फिनिश्ड ऑल द टाइप्स ऑफ फंक्शंस अब हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे अगले एक दो लेक्चर तक और साथ ही साथ मैं एक डीपीपी शेयर करूंगा आपके साथ। ठीक है सो डू प्रैक्टिस दैट डीपीपी एंड अगली क्लास में हम डीपीपी के डाउट्स के साथ साथ आपके कुछ और प्रॉब्लम्स लेके आऊंगा जो मैं खुद से तुम्हें करवाऊंगा। ओके सो एक बार रिवाइंड करते हैं शुरू से देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। फंक्शन को डिफाइन करा डोमेन रेंज देखी फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस और टाइप्स ऑफ फंक्शन जो भी कर रहे हैं उनके साथ साथ उनके डोमेन और रेंज भी देखते गए और कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हमने देखा उन फंक्शंस को अच्छे से समझने के लिए। तो हर एक फंक्शन को अच्छे से समझो कि वो कैसे काम करते हैं उसकी डोमेन क्या है उसकी रेंज क्या है क्योंकि उन्हीं को लेके आगे प्रॉब्लम्स बनेंगी। तो अब हम कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे। डोमेन निकालना तुमने देखा होगा अभी तो काफी आसान प्रोसेस था बट रेंज में थोड़ी सी दिक्कत आती है सो वी विल लुक इनटू द प्रॉब्लम्स ऑन रेंज मोर इफेक्टिवली सो दैट वी आर क्लियर विद ऑल द कंसेप्ट्स टिल नाउ। ओके सो गुड लक हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में।